हाथ निकालिए, हम तो तैयार खड़े हैं। धन्यवाद। पिछले वर्ष यानी कि सन 2023 में रूबरू थिएटर ग्रुप ने अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे किए और 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विजय सूरी नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड्स की शुरुआत भी साथ में की गई और इस वर्ष ये जो अवार्ड है मीडिया और थिएटर प्रमोशन और थिएटर के लिए काम करने वाले जो भी हमारे महानुभाव है उनको दिया गया है। सुचित्रा जी को दिया गया है। सुचित्रा जी धन्यवाद और इस उत्सव को ग्रेसफुल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे एक और अवार्डी हिम्मत सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं और थिएटर प्रमोशन के लिए इन्होंने बहुत 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 काम किया है। तो हिम्मत जी थोड़ा सा कुछ बताइए, कुछ कहिए। आप सभी को तो शुभ संध्या। एक्चुअली थिएटर प्रमोशन की जरूरत देश को तो है ही, क्योंकि थिएटर जो है वो अब आने वाले समय की सबसे ज्यादा जरूरत है। लोग मुझसे पूछते हैं कि थिएटर में कुछ स्कोप है, मैं कहता हूं कि थिएटर में ही स्कोप। अगर इस समय देश में गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई हमको पूरे स्कूलों में थिएटर टीचर चाहिए, तो आपको 1000 थिएटर टीचर अच्छे नहीं मिलेंगे। 1000 भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया एक्सट्रीम पे जाकर, क्योंकि थिएटर की रिक्वायरमेंट अब स्कूलों में होने लगी। एनईपी भी अगर आप देखें तो एनईपी में है कि भाई आर्ट इंटीग्रेशन करने की जरूरत है। दूसरी बात थिएटर प्रमोशन की जो आप बात कर रहे हैं, जो थिएटर वर्कर हम जितने भी सारे हैं, हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि थिएटर ने हमको प्रमोट किया, थिएटर ने हमें सम्मान दिया। मेरे साथ के जितने भी दोस्त हैं सभी एजुकेशन के फील्ड में, वो मुझे कहते हैं कि यार तू सबसे अच्छी लाइफ जी रहा है, हम तो टीचर हो गए परेशान है इतने ज्यादा। तो थिएटर प्रमोशन की जहां तक बात है, हम कोई थिएटर प्रमोट नहीं कर रहे, थिएटर हमें प्रमोट कर रहे, थिएटर हमें वहां पहुंचा रहा जहां पर हम लोग शायद नहीं होते। तो एक तो बहुत बहुत धन्यवाद टीम का, हमें तो ऐसा पता भी नहीं था, हमें लगता हम क्या प्रमोट कर रहे हैं। जैसे अपनी माँ की कोई सेवा करता तो उसके लिए उसको पुरस्कार क्या देना है, वो तो एक तरह से जेस्चर की तरह आपने किया। और दूसरी बात है कि सारी टीम का मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस काबिल हमें समझा। लोग बहुत खुश होते हैं, आपके दोस्त बहुत खुश होते हैं कि चलिए आपके काम को लोग सराह रहे हैं, उसको एक मौका दे रहे हैं। और दूसरी बात जो रूबरू का जो फेस्टिवल है उसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा, पिछली बार भी हमने पार्टिसिपेट किया था, तो पिछली बार शॉर्ट प्लेस का ही था, 30 मिनट का था, इस बार 20 मिनट का किया, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे इंटीमेट स्पेस पर हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, अक्सर हम लोग प्रोसीडियम में करते हैं, प्रोसीडियम आर्च में, तो जो इंटीमेट स्पेस है यहाँ पर लोगों की सांसों को महसूस करना, लोगों के एक्सप्रेशन को महसूस करना, लोगों की हंसी को महसूस करना बहुत करीब से, वो एक अलग ही अनुभव है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगली बार जैसा कहा जसकिरण जी उन्होंने कहा था कि अगली बार 10 मिनट का करेंगे, तो मैम जसकिरण जी अगली बार जब 10 मिनट का आप करेंगे तो हम सारी टीम मिलकर 10 का दम दिखाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे पार्टिसिपेंट टीम्स को भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने हमें इस पुरस्कार के लिए सम्मान के काबिल समझा, आपको बहुत बहुत बधाई। और सारे मेरे साथियों जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी सबकी परफॉर्मेंस। और अब कुछ आशीर्वचन सुचित्रा गुप्ता जी से। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें उनकी आवाज शामिल नहीं होगी, इनकी आवाज को सुनाकर या पुस्टेस अकेडमी कहिए या अनाउंसर्स कहिए आकाशवाणी के, उनको बोलने की कला सिखाई जाती है, मैं तो उनकी तमीज सिखाई जाती है। तो सुचित्रा जी ऐसे ने बॉडी मैम कुछ कहें जी। कहां से शुरुआत करूं समझ में नहीं आ रहा। चंद आशार आज की शाम के लिए बशीर बद्र साहब के। अभी इस तरफ ना निगाह कर, क्या बात, अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पल के सवार लूं, मेरा लफ्ज सो आईना तुझे आईने में उतार दूं। तमाम जगा हुआ मैं, तमाम शब का जगा हुआ, ठहर जाए इस मोड़ पर तेरे साथ ये शाम गुजार लूं। शाम गुजारने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता था। अपनी बात कहूं उससे पहले सब सर्वप्रथम नमन उस व्यक्तित्व को जिन्होंने नाटक की कला को
अभिनय की कला को एक नई दिशा दी, नया आयाम दिया। और केवल खुद ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी को भी उस काम में लगाया, अपनी सुपुत्री को भी उन्होंने इस काम में लगाया और आगे बढ़ने की लगातार सतत प्रेरणा दी। तो सबसे पहले नमन उनको। और दूसरी बात, मैं कल भी कह रही थी कि आज के जमाने में भी बहुत कहा जाता है कि बेटे नाम रोशन करते हैं, अरे बेटियां क्या है, तुम पढ़ लिख के क्या करोगी, डीसी बन जाओगी क्या, फलाना बन जाओगी क्या। ऐसा होता है, आज भी है। हम केवल दिल्ली से ना जाएं, मुंबई से ना जाएं, कलकत्ता से ना जाएं, चेन्नई से ना जाएं, छोटे शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, जनपदों में ये सब होता है, आज भी कहा जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि एक ऐसी सुपुत्री जिन्होंने लगातार अनवरत प्रयास करके अपने पिता के नाम को रोशन किया है, भगवान ऐसी सुपुत्री सब देते हैं। मेरा सवाल है, बहुत संक्षेप में बताऊं, मैं अब तो दिल्ली वासी हूं, हालांकि मेरी जो माता पिता की बैकग्राउंड है वो पंजाब से है, लेकिन पंजाब में मैं कभी रही नहीं, अजमेर में पैदा हुई, मध्य प्रदेश में मेरी, इंदौर भोपाल में मेरी पूरी परवरिश हुई और उसके बाद दिल्ली, और 10 साल से भी कम की उम्र में, 8 साल की उम्र में मैंने अपना पहला स्टेज नाटक किया, काबुलीवाला, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, उसमें मैंने मिनी का रोल किया था इंदौर में। मेरा स्कूल एक बहुत नामी ग्रामीण स्कूल था, तो काफी चर्चा रही उसकी। उसके बाद दिल्ली में आकर मैंने ऑडिशन दिया और आप यकीन जानिए शीन काफ तो दुरुस्त रही है शुरू से ही, उसमें मुझे कभी कोई अड़चन नहीं आई, लेकिन मुझे 60 साल से ऊपर हो गए होंगे ब्रॉडकास्टिंग करते हुए। शायरी कोई विधा हो, चाहे वो डबिंग हो, लिप सिंक हो, चाहे वो पैरा डबिंग हो, चाहे वो नाटक हो, प्रहसन हो, स्टेज हो, दूरदर्शन में, दूरदर्शन पे 8-9 साल इन विजन मैंने मॉर्निंग शो होस्ट किया है, और बहुत मैं पहला फेस थी जिसने, अब तो खैर बहुत बड़े व्यक्तित्व उससे जुड़ गए हैं, जिन्होंने पोलियो इरेडिकेशन और इस सब के लिए कैंपेन शुरू किया था। आई वॉज द फर्स्ट फेस इन 1980s व्हेन दिस बिगैन एंड आई वॉज द आशा ऑफ मेनी लाइफ्स। इट यूज टू से एंड दैट बिकेम वेरी पॉपुलर, डीपी टीके, 3 टीके। आज की जनरेशन को तो याद भी नहीं होगा, और हम इस मंच की बात कर रहे हैं, वाकई ये बहुत इंटीमेट है, लेकिन आप शायद नहीं जानते, मैंने भी ऐसा ही इंटीमेट मंच देखा है, आप लोगों को वो सुअवसर नहीं मिला, वो श्रीराम सेंटर में बेसमेंट हुआ था, वहां पर भी ऐसा ही माहौल होता था, हम बिल्कुल सामने बैठकर सांसें भी महसूस कर लेते थे, आवाजें भी महसूस कर, एक कोई अगर चिप्स का पैकेट खोलता था तो गुस्सा आता था कि मारो जाके झापो उसको होता है ना, क्योंकि कलाकार डिस्टर्ब हो जाता है उससे। तो बहरहाल ये बहुत लंबा सफर रहा है, और कई बार लोग कहते हैं कि जब आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट कुछ मिलता है तो इसका मतलब ये है कि भाई अब जाओ, बहुत मेरे लिए मेरा कहना दूसरा है, मैं कहती हूँ ये मुझे प्रेरणा देता है कि जो मैंने इतने साल तक किया है इससे भी बेहतर। के लिए और विश्वविद्यालय में भी रेडियो ने मुझे जो दिया है वो वाकई और कोई विधा नहीं दे सकती। इसने मुझे मॉड्यूलेशन सिखाया, डिक्शन सिखाया, प्रोनाउंसिएशन की क्लैरिटी सिखाई है, भाषा की क्लैरिटी सिखाई है, और मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है सारी उम्र, तो मैं जानती हूँ कि ये सब मुझे थिएट्रिक्स जो है उन्होंने कितनी मदद की है अपनी क्लासरूम को रोचक बनाने में। सो सलाम, शुभकामनाओं के साथ मैम रूबरू थिएटर ग्रुप आपका आभार व्यक्त करता है। जी, रिजल्ट्स रेडी है, जसकिरण जी कृपया मंच पर आए, और मोस्ट अवेटेड बताइए जी। विजय सुरी माइक, अच्छा, दिस रिजल्ट इज अ यूनानिमस रिजल्ट। तो हाँ जी, वो समय आ गया है 5th विजयसूरी नेशनल थिएटर फेस्टिवल फाइनल रिजल्ट की घड़ियां आ चुकी हैं। सब लोग अपना दिल थाम के बैठे हैं, बहुत सबके चेहरों पे थोड़ा सा दिख रहा है कि क्या होगा रिजल्ट।
मैं ये जरूर कहना चाहूंगी रिजल्ट रिजल्ट होते हैं लेकिन अपनी नजर में थिएटर एक्टर्स जो होते हैं सभी विनर हैं, हम सबकी नजर में सभी विनर हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस तरह से सुचित्रा मैम ने कहा कि ये जो रिजल्ट है ये हम सबकी हमने बनाया है इसको, और जो बेस्ट लगा उसको तो किसी एक को बेस्ट तो होना पड़ेगा, लेकिन हम सभी विनर हैं अपने अपने, क्योंकि सबने कोशिश की है। बहुत बड़ी बात है। मैं चाहे 200 शोज किए हो, अगर मैंने भी, सुचित्रा मैम भी इस बात को जानती हैं कि अगर 200 शोज भी हमने किए हो तो तब भी अगर 200 शोज करने के बाद भी हम स्टेज पे चले तो एक बटरफ्लाई सी उठती हैं। वो हम सबके दिलों में वो बटरफ्लाई दुखी रहती है जब तक हम स्टेज पे नहीं पहुंचते। ये बात सुचित्रा मैम ने बहुत बार कही और मैं भी इस बात को मान रही हूँ। तो सभी विनर है, हमारी नजर में सभी विनर है। और अब प्राइस डिपार्टमेंट को कहते हैं क्रिएटिव नर्वसनेस, तो अब जो गिफ्ट्स दे रहे हैं जो प्राइस वाले डिपार्टमेंट है कृपया हाजिर हो जाएं। एक मिनट सब बता। हाँ जी बिल्कुल बताइए, जो तीन कैटेगरीज है मैम कुछ कहना चाह रही थी। मैंने अधिक साहस किया है माइक लेने का, इसलिए कि मैंने दो दिन तक निर्णायक मंडल में मैं रही हूँ और मैंने दो दिन तक बच्चों की मेहनत और बच्चों का समर्पण देखा है। मैं सहमत हूँ काजल सूरी से कि प्रत्येक व्यक्ति अपना दी बेस्ट देता है और हम सब उस क्षण में प्रभावित होते हैं। जहाँ तक थिएटर की बात है, लोग कहते हैं वर्तमान में थिएटर जरूरी है या नहीं, इसके लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि काव्यम यश से अर्थक कृते व्यवहार विदे श्वेत रक्षते सद्यः परिनिवृत्ते कांता संवित्तयो उपदेश विजे। काव्य नाटक जो होते हैं वो यश और धन के लिए तो होते ही हैं, उसके बाद मोक्ष के लिए भी होते हैं। उसके बाद भी हमारे जो नाटक होते हैं वो व्यवहार विदे, व्यवहार सिखाने वाले होते हैं। और किस रूप में सिखाते हैं? स्त्री के समान, सुंदरी के समान, नायिका के समान, रूठ कर, मना कर, ठुनक कर, बच्चे के समान अपनी बात दर्शक तक पहुंचा देते हैं। हम निर्णायकों के बीच भी ये बात आप लोगों ने पहुंचाई है, लेकिन हमारे भी कलम बंधी हुई थी, किसी एक को चुनना था। यदि हमको 10 को चुनना होता तो हम पता नहीं कितने लोगों को चुनते, क्योंकि सभी में गुण थे। हास्य प्रमुख था, पहले और दूसरे में हास्य भी था। और नाटक जो होता है, दश रूपक में कहा कि 10 तरह के होते हैं, नाटक भी है, भाण भी है, हास्य भी है, नाटिका है, रूपक है। उन सब की दृष्टिकोण से देख करके नाटक की कसौटी पर जो कुछ कम या ज्यादा उतरा है उन सब में हम चारों निर्णायकों की सहमति है। तो आपसे हम चाहेंगे कि जो निर्णय आया है उसमें आप भी, हमारी श्रद्धा तो है कि आप भी उसे उसी रूप में स्वीकारें। एज ए ज्यूरी मेंबर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है सर, आप भी सर, वैसे हमने यही सोचा था हमारा प्राइस डिपार्टमेंट रेडी हो जाए प्लीज। हमारी जो तीन कैटेगरीज हैं उनको हम एक बार और कर देते हैं। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोडक्शन एंड बेस्ट आर्टिस्ट। आज की मुख्य अतिथि, हमारी विशिष्ट अतिथि जो है, जो कि अवार्डी भी है विजय सूरी नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड की, सुचित्रा गुप्ता जी, आपसे विनम्र आग्रह की कृपया मंच पर आए। जी और जसकिरण जी, अब माइक आपके हवाले है। शुक्रिया सुखविंदर जी। आज की शाम धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ रही है और शायद अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होता है ताकि कल वो उससे अच्छी तरह दोबारा आ सके। तो हम अवार्ड शुरू करते हैं। बहुत कुछ सदनों द्वारा कहा जा चुका है और इंतजार ना करवाते हुए मैं अनाउंस करती हूँ
और हर अवार्ड के लिए खूब तालियां बजनी चाहिए। तो पहला अवार्ड है बेस्ट डायरेक्टर का, जो जाता है श्री अमोल सागर जी को। प्ले का नाम था ये तीन भाई या तीन ये भाई। निवेदन करेंगे बाकी जूनियर मेंबर्स का भी कि आप भी कृपया स्टेज पर आए। आप स्टेज पर रहना पसंद करेंगे? देखिए आपसे मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी कुछ ऐसी ऐसी चीजें बन जाती हैं कि मजबूर होकर सब लोग इतने मजबूर हो जाते हैं और इतना अच्छा होता है कि उस चीज को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो दूसरा अवार्ड भी इसी नाटक को जाता है बेस्ट एक्टर के लिए और जो सबसे छोटे थे यानी छोटे भाई साहब। लेकिन छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है कि शायद परिस्थितियां थोड़ी सी इनके प्रतिकूल थी लेकिन ज्यूरी इतने विवश हो गए थे कि कुछ चीजें वो ओवरलुक नहीं कर पाए तो इस नाटक को तुम्हें अवार्ड दे दिए। थैंक यू। थैंक यू। अब है थर्ड अवार्ड की बारी। गेस कीजिए बेस्ट प्रोडक्शन। शाबाश, वेरी गुड।
अच्छा बेटी, कहानियाँ खत्म ही होती है। अब आपने क्या सोचा, मैंने खत्म नहीं बोला, मैंने खत्म बोला है, ठीक है, उस पर गौर कीजिएगा। ये दर्शाता है कि स्टेज पर भाषा का बहुत महत्व होता है, बहुत ही महत्व होता है। जब तक आपकी भाषा न्यूट्रल नहीं है, आप दर्शकगणों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं और अपने भाव भी उन तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो रूबरू थिएटर की तरफ से एक स्पेशल अवार्ड दिया जाता है। ये मेरा धन न्यूज के अवश्य होती है, लेकिन यही कंपटीशन है। यदि कहीं खुशी कहीं गम ना हो तो प्रतियोगिता तो नहीं ही होगी, वो तो फिर समानता होगी। कुछ बातें जरूर मैं सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यदि एक को पुरस्कृत किया गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी देवानी है। जो रूबरू थिएटर की ओर से अंत में एक स्पेशल प्राइज की घोषणा की गई, वो धनुष यदि ना उठता तो ये थिएटर फेस्टिवल अधूरा रह जाता और असत थामा। साथ ही सभी की प्रशंसा करते हुए हम उस डूबते हुए आदमी को भी दरकिनार नहीं कर सकते। और मैं विशेष शाबाशी देना चाहूंगी उस डूबते हुए मछुआरे को, उस व्यक्ति को जिसने एक बहुत गहरा संदेश दिया कि एक और समाज बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत उभरते हुए लोगों की ओर टकटकी लगाकर देखता है, लेकिन वही समाज एक डूबते हुए व्यक्ति का हाथ नहीं थाम पाता। इतनी सुंदर प्रस्तुति देने के लिए, और मैं फिर से यही कहूंगी कि प्रतिभा का मूल्यांकन तो वाकई नहीं हो सकता, प्रतिभा प्रतिभा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अब एक ऐसा नाटक, देखिए एक बात मैं जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगी पूरे ज्योरी मंडल की ओर से, एक ऐसा नाटक जो ओवर कैरी कर गया, एक मिनट 30 सेकेंड आगे बढ़ गया, मगर फिर भी उसे एक नहीं दो दो पुरस्कार मिले, ऐसा क्यों? यहां यह विचार करने योग्य बात है कि नेगेटिव मार्किंग के बावजूद उस नाटक के अंक हर क्षेत्र में सबसे अधिक थे, अभिनय की दृष्टि से और
अलग अलग वेराइटीज दिखाई दी, जो अलग अलग स्तर दिखाई दिए, और उससे भी बढ़कर ताज्जुब की बात ये है कि वे स्वयं ही हार मान बैठे थे। आज वो लोग आए भी नहीं स्टेज पर, मैं यही पूछ रही थी कि क्यों आपकी टीम क्यों नहीं आई, क्या इसका ये भी कारण है, उन्होंने कहा। तो मैं फिर से यही बात कहूंगी कि कोई कमतर नहीं था, मगर जो उसमें अभिनय के अलग अलग रूप देखने को मिले, वही मुझे लगता है थिएटर की सबसे बड़ी विशिष्टता है। वही नौ रस है साहित्य के, वही रसों का वह आख्यान है जिसके आगे हर मन झुक जाता है। तो मैं काजल सूरी आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ। समय में आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी है, और सबसे बढ़कर मैं विजय सूरी जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं, आपकी प्रेरणा दृष्टि थिएटर से जुड़े हर व्यक्ति के साथ बनी रहे और निरंतर अग्रसर करने का मार्ग दिखाती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जरूर, उन्होंने बताया कि वो चले गए, तो मैं ये सोचती हूँ अपने कर्मों पे विश्वास रखना चाहिए। अपने कर्म करते रहो तो कोई ना कोई जगह आप भलाई ही करोगे। तो सिर्फ मेरे मन में कई बार ऐसा आता है, मैं अपने टीचर शिव कुमार कोहली सर की क्या नाम है एक चीज को पूरा करते हुए, कि आप थिएटर के जरिए और संगीत के जरिए अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। तो जब मैं भी कभी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, जो मेरा मन हारने लगता है, तो मैं सिर्फ एक ही छोटी सी लाइन गाती हूँ। जीवन चले काना चलते रहो सुबह शाम, जीवन चले काना चलते रहो सुबह शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल कट जाएंगे मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा, जो जीवन से हार मान ले उसकी हो गई छुट्टी, आँख चढ़ा कर कहे जिंदगी फिर मेरी हो गई छुट्टी, जीवन चले का औलादी इरादों में एक कोमल सा दिल भी धड़कता है, ये आज आपने दिखा दिया। और अब हमारे जूरी मेंबर पांडे जी, आज के इस उत्सव में पधारे हुए आप सबको शांति। मैं चाहूंगा कि हाँ एक मिनट मैं बोलूंगा, बहुत अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन ये दो दिनों का जो अनुभव रहा वो ऐसा रहा कि वो शब्दों में नहीं बयां हो सकता। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा नाटक के लिए, इस विधा के लिए कि इतना लोकप्रिय है। नहीं सर, आप चिंता मत कीजिए, ये जो इसकी जो इसका जो महल है बहुत ऊंचा होगा, क्योंकि इसकी नींव इतनी मजबूत है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि आज से बहुत साल पहले लिखकर हमारे नींव को मजबूत कर गए हैं। तो जब मजबूत नींव है तो हमें निश्चित पता है कि इसका जो महल होगा बहुत पायदार होगा और बहुत ऊंचा होगा। और है भी हमेशा हरियुग में नाटक को महत्व दिया जाता रहा है। सबसे उसके बाद से मैं कहूँ इस विजय सूरी नाटक फेस्टिवल के बारे में, तो आदरणीय काजल सूरी जी जो काम कर रही हैं, मुझे कुंवर बेचैन का एक शेर याद आ रहा है, उसके बाद से वही मुझे लगता है सटीक है कि हादसे ही हादसे हैं, सावधानी क्या करें। पूरे देश में किस किस तरह की घटनाएं घट रही हैं आप जानते हैं, लेकिन इसमें भी हम बैठ कर हंस रहे हैं, हम बैठ कर के भाव हो रहे हैं, हम बैठ कर अपने मनोभाव सामने वाले में देख रहे हैं। तो हादसे ही हादसे हैं, सावधानी क्या करे, इतने अंगारों पर एक दो बूंद पानी क्या करे, देश के खातिर हमारा भी कुछ फर्ज है, इनके जैसे लोगों के लिए कि देश के खातिर हमारा भी कुछ फर्ज है, एक अकेली राजधानी क्या। ये जो फर्ज निभाए हैं बहुत ही प्रेरक हैं, और लोगों में सकारात्मक जीवन डाल रही है,
लोगों के मन में जो अभिनय के जो गुण हैं वो उभर तो रहा ही है, देखने वाले भी सीख रहे हैं। मैं अपनी बात को विराम दूं, उसके पहले सभी कलाकारों को नमन करते हुए उनके लिए कभी कहीं आज से 25 साल पहले चार पंक्तियां सुना था कि न यहाँ रूप न श्रृंगार अमर रहता है, न यहाँ रूप न श्रृंगार अमर रहता है, न धनी न धन का भंडार अमर रहता है, आदमी एक दिन जाता है यहाँ से लेकिन कला के साथ कलाकार। हेलो जसकिरण जी, आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप सभी विजय सूरी फाउंडेशन के सदस्य से दो दिन का ये फेस्टिवल आज संपन्न हुआ आप सबके सहयोग से। इसी आशा में कि अगले साल हम फिर मिलेंगे रंगमंच और रंगमंच से जुड़ी हुई कलाओं से संबंधित रंगमंच के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए। आप सबका आभार प्रकट करता है रूबरू थिएटर, आप सबने अपना कीमती समय दिया, यहाँ पे आए, कलाकारों को प्रोत्साहित किया और हमारा उत्साह बढ़ाया कि हम साल दर साल इस फेस्टिवल को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। और एक बात और, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, प्लीज एक कलाकार समझ के कोमल हृदय से माफ कर दीजिएगा। और अगले साल आपका इंतजार रहेगा, हम आभारी हैं अपने जूरी मेंबर्स के, जने माने अतिथियों के, सभी कलाकारों के, कलाकारों से म्यूजिक डिपार्टमेंट के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के और सबसे ऊपर उन दर्शक गणों के जिनके बिना हमारी कला अधूरी है कि उन्होंने हमको यहाँ आकर प्रोत्साहित किया है। अगले साल आपका इंतजार रहेगा, कृपया आइएगा, सुस्वागतम, शुक्रिया। हम आपको बताना चाहेंगे आगामी थिएटर रूम की आगामी प्रस्तुतियाँ जो आप देख सकते हैं। 7 सितंबर को पंचानन हास्य नाटक समारोह में और एक साथ ये नाटक यही एंट्री के मुख्य सभागार में होगा। अगर इस नाटक के टिकट आप लेना चाहते हैं तो किसी हॉल में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। 8 सितंबर को और एक सच जो कि गाजियाबाद में होगा। 5 अक्टूबर को हमारा प्रीमियम शो होगा एनटीजी के मुख्य सभागार में, आप देखेंगे नाटक यथा कहे पांचाल, लेखिका उर्वशी अग्रवाल। काजल सिंह जी 15 नवंबर को हम लेकर आएंगे कॉमेडी के हा हा जी नाना जी। यदि आप रूबरू थिएटर रूम के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सोशल मीडिया यानी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें और जहां की आपको सारी जानकारी मिलेगी।